तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं मिलाने वाला हूँ मैं अमित जी से। और ये अमित जी की आज सबसे पहली बात क्या है कि इनका 1-1.5 महीने पहले इनका कोर्स कंप्लीट हो गया था। कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर इन्होंने 1-1.5 महीने अपनी शॉप के लिए मतलब स्टार्टअप किया, शॉप को बनाया। दूसरी बात क्या, जगह ढूंढी और खुद भी प्रैक्टिस किया। कि सीखने के बाद कहते हैं ना, कोई भी काम सीखने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से क्या होता है, हमारी कमी निकल करके आ जाती है। और हमको ये भी प्लान करना होता है कि कौन सा काम कैसे करना है, क्या उसकी रूपरेखा तैयार होगी, कहाँ पर दुकान खोलनी है, कहाँ से सामान लाना है, कितना भाई पैसा लगेगा, तो उसके लिए उसका अरेंजमेंट। सबसे पहली बात क्या होता है, जितने सारे बच्चे लोग होते हैं जब ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो ट्रेनिंग करने के बाद उस ट्रेनिंग का उपयोग भी करना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना बिजनेस करेंगे, नहीं पैसा है तो कहीं ना कहीं काम करेंगे, दोनों काम करने होते हैं। ज़्यादातर किसी के पास कम पैसा है तो भी आदमी 20 से 30 हज़ार रुपये में भी काम स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आज मैं सर का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि सर इससे पहले ऑलरेडी पहले जॉब करते थे। जॉब करने के बाद मतलब कम से कम 3 साल 4 साल, कितना साल, करीब 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए, 8-10 साल नौकरी करी। नौकरी करने के बाद में फाइनल यही डिसाइड किया कि चलो अपना बिजनेस करते हैं। अच्छा, ये घर में सबसे बड़े हैं, इनके साथ में 3 भाई और भी हैं, लेकिन वो लोग ऑलरेडी टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। कोई एसी का काम करते हैं, एक भाई लोग फ्रिज का काम करते हैं, एक लोग पंखा मोटर कूलर इस सारा सब कुछ काम करते हैं। तो इन ये सब बड़े थे तो पूरे फैमिली को देखते थे, सबको देखते थे। लेकिन बाद में उन तीनों लोगों ने बोला कि भैया काम करो कि तुम भी कोई ऐसा काम सीख लो, अब काम सीखने के बाद अपना बिजनेस करो। क्योंकि अगर हम लोग 15-20 हज़ार रुपये नौकरी के लिए बाहर अगर चक्कर काटते रहते हैं, नोएडा में नौकरी करते थे, फरीदाबाद में नौकरी करते थे, और अगर 18-20 हज़ार रुपये वहाँ पर मिलते थे, 8-10 हज़ार रुपये तो वहीं खर्चे हो जाते थे, 10-12 हज़ार रुपये बचते थे। तो भैया कहते थे कि भाई मैं 15 हज़ार रुपये तो यहीं कमा लेता हूँ जबकि कहीं नहीं जाता, तो इससे बढ़िया है। उसके बाद नाइट ड्यूटी भी थी हमारी, वो उसमें भी दिक्कत थी। तो नाइट ड्यूटी थी, तो समझ लो 8-10 साल आदमी कोई नाइट ड्यूटी करे कि मतलब रात में जगना है और दिन में क्या करना है, सोना है। तो सर ने पूरा कंप्लीट कोर्स किया और आज सर पूरा मार्केट से आए हैं, यहाँ पर सारा सामान खरीद लिया है, सारा मशीन ले लिया है, सारा टूल ले लिया है, सारा एसेसरीज का सामान ले लिया है, और फिलहाल 1-2 दिन बाद दुकान की ओपनिंग हो जाएगी और अच्छी तरीके काम करेंगे। और हमारा भी एक मिशन पूरा हो जाएगा कि मैं भी चाहता हूँ कि जितने भी सारे बच्चे लोग होते हैं सब लोग ट्रेनिंग ले करके सीख करके अपना बिजनेस करें, अपने पैरों पर खड़े हों। अगर वो कल को कहीं रोजगार करने जाते हैं, नौकरी करने भी जाते हैं, तो अगर उनके अंदर हुनर है ना, तो उनकी एक अलग ही पहचान होती है। भाई जिस आदमी को काम आता है ना, तो कहीं भी अगर नौकरी पे भी जाता है, जॉब पे भी जाता है, कुछ भी काम करता है, तो उसकी अलग पहचान होती है, क्योंकि वो काम उससे बिना कोई नहीं कर सकता। भले ही 10 हज़ार 20 हज़ार ले रहा हो, अलग बात है, लेकिन जिसके अंदर हुनर नहीं होता तो उसको आदमी 4 बात भी समझते हैं, और उसको आदमी तनख्वाह देता है ना, तो उसको ऐसा समझता है जैसे मैं फ्री के पैसे दे रहा हूँ। 4 बातें भी सुनाएगा और वह बात भी बोलेगा। आज जो टेक्निकल आदमी होता है वो कहता है आज काम होगा तो होगा, नहीं नहीं होगा जाओ खराब, दूसरा डालेगा। अगर ज़्यादा कलाकारी करोगे तो, अगर उससे बना के रखोगे तो उसी चीज़ को बना देगा। तो इसी तरीके से मैं सर, आप अपना अमित जी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए ताकि और भी लोग हैं। और दूसरी बात क्या है कि आप और लोगों को ये गाइडेंस दीजिए ताकि क्या क्या चीज़ ऐसा है कि वो प्रैक्टिकल ज़्यादा करें या उन चीज़ों पर कमी ना रखें, कैसे काम को अच्छा करें। और आपने सर कैसे किया उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। हमने यहाँ सर जी का वीडियो देख के आए थे, जब वीडियो देख के यहाँ आए तो हमें पूरा सपोर्ट मिला, सीखने को भी मिला। सीखने के बाद हम घर गए, घर में भी जाके थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, कुछ 2-3-4 दिन एक दुकान पे भी जाते रहे, और उसके बाद अपने घर पे भी हमने काम किया। हालांकि आईसी का एक्सपीरियंस हमने घर पे नहीं कर पाया क्योंकि हॉट गन मशीन हमारे पास नहीं थी, अब हमने ले ली है। बाद बाकी मोबाइल का जो जेक वगैरह लगाना है ये हमने कई मोबाइलों में लगाया भी है, और नेटवर्क समस्या भी ठीक की है। घर पे 2-4 मोबाइल आ जाते थे तो उन्हें ठीक करके भी दिया, अभी कोई उनसे चार्ज नहीं लिया, वो हमारी अलग की बात है। बाकी अब चार्ज लेंगे जब शॉप ऑन करेंगे तो वही लेना ही पड़ेगा। क्योंकि हम अपने स्टूडेंट को ये सलाह जरूर देते हैं कि आप काम और महीने-डेढ़ महीने काम यहाँ पैसों को देख के काम मत करो, काम को देख के काम करो। कल यहाँ आए हम, यहाँ रहने का भी पूरा सपोर्ट मिला, देखो रात भर रुके हैं, सर ने सामान भी अच्छा अच्छा दिलवाया, ऐसी बात नहीं कि पहली बार हम यहाँ आए हैं, हमें कोई ठग ले या कुछ भी करे कहने का मतलब वो भी नहीं। और सारी मशीनें भी सर ने उपलब्ध करा दी हैं, अभी एक आधी रह गई, वो अगले चक्कर में आएंगे ले जाएंगे। बाकी हमें यहाँ पूरा सपोर्ट है,
और कोई दिक्कत आएगी भी उसके लिए सर हमारे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी फ़ोन करेंगे तो इन्होंने बोला है ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो सर के लिए बहुत अच्छी सी क्लैपिंग, ताकि इस तरीके से सर ने सीख करके अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमें भी खुशी मिलती है कि आज जो इनको सबसे पहली बार का एक फ्रीडम मिल गई। फ्रीडम का मतलब होता है जो नौकरी करते थे 10-12 घंटे की नौकरी करते थे, अगर फरीदाबाद में 10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं तो समझ लीजिए 10 घंटे की नहीं कर रहे हैं, वो 24 घंटे कर रहे हैं, क्योंकि घर से तो बाहर ही। नौकरी का तो मतलब ये है कि भाई आदमी काम करे और घर पर आ जाए, लेकिन घर तो उसको देखने को नहीं मिल रहा है, फैमिली है, बच्चे हैं, उसको देखने को मिल रहे हैं। मतलब उसकी ड्यूटी 24 घंटे की है, सिर्फ नाम के उसके कितने गए 8 घंटे 10 घंटे के हैं, लेकिन उसकी ड्यूटी एक्चुअल में देखा जाए तो 24 घंटे की है। तो सर ने सबसे पहली बात क्या, अपने लाइफ में फ्रीडम मिल गया। फ्रीडम का मतलब होता है कि हमारा अपना खुद का काम है, हम 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 का करेंगे, सारा खुद का करेंगे। दूसरी बात क्या होता है कि सर जी, एक हम जो इस लाइन में पैर रखते हैं तो ये लाइन हमारा एक बिजनेस की तरह काम किया जाता है। सीखने के बाद लोगों को अपना काम करना होता है, जब अपना काम करते हैं तो अपने काम का मतलब होता है कि कहते नहीं कि पहले के हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो बिजनेस क्या होता है, एक पेड़ की तरह होता है। अगर आज आपने आम का पेड़ लगा दिया तो ये समझ लीजिए वो पेड़ जब बड़ा होगा तो उसमें तो आप तो खाएंगे, लेकिन जब आपका बच्चा भी बड़ा होगा तो वो भी खाएगा। अगर आप नौकरी करेंगे तो जैसे ही आप छूट जाएंगे, आप वहां से हट जाएंगे या आपसे नौकरी छूट जाएगी, तो समझ लीजिए आपको बच्चों को नहीं मिलने वाली, उसको भी आप ही की तरह स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपने बिजनेस अपना खड़ा कर लिया, स्टैंड कर लिया, अगर आज आप लाख रुपए का ना उतना कर पाते तो कैसे किया, वो हमको ट्रांसफर हुआ। उसी तरीके से सर, ये जब हम आज आपने सही समय पर सही टाइम पे सही चीज का चुनाव करके अगर एक अपना बिजनेस स्टैंड कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि कल को जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपना तो फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, अपने साथ साथ अपने फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर रहे हैं। लेकिन सभी आपके लिए एक गाइडेंस है कि जब आप अपनी शॉप खोलेंगे तो शॉप खोलने के बाद कस्टमर से आप वाजिब पैसा लेंगे, कस्टमर का हमेशा सपोर्ट करेंगे, उसको कोई फ़ोन में या कोई भी चीज़ ठीक करके देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप दोबारा ठीक करके दें, अगर उसको लगता है कि आप किसी चीज़ में आपने नाजायज चार्ज ले लिया है या आपने कोई गलत पैसा ले लिया है तो उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनेज करें। मैनेज करने का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है ठीक होने के लिए, और हो सकता है उस मोबाइल फ़ोन का 200 रुपये लगता है, ठीक होने का 500 रुपये भी लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो फ़ोन बैटरी निकालने से ऐसे ही ठीक हो गया तो 150-200 रुपये जो सर्विस चार्ज बनता है आप उतना ही लें। ये नहीं कि आप उसको 500-1000 बोल देंगे तो 500-1000 भी दे देगा, लेकिन वो एक इंसानियत नहीं हुई, एक मानवता नहीं हुई। तो आप अपना एक सर्विस चार्ज है वो अपने दिमाग के अंदर फिक्स करके रखें कि सर हमको इतना ही पैसा लेना है और वाजिब पैसा ही लें, क्योंकि एक आदमी से 500 कमाने से हमारा भला नहीं होने वाला। अगर हम 5 लोगों से 100-100 रुपये करके कमा लेंगे तो हमारे पास 500 हो जाएंगे, और दूसरी बात क्या है, वो 500 लोग और 500 लोगों को ले आएंगे। तो यही आपके एक होना चाहिए ताकि आप अच्छी तरीके से काम करें, और आप जिस चीज़ में आप जाने वाले हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि शॉप जब भी ओपन करेंगे तो टाइमली ओपन करेंगे। मतलब अगर आपने 9 बजे का समय बना लिया तो 9 बजे ही खोलें, 8 बजे का अगर बंद करने का समय है तो 8 बजे से पहले कभी ना बंद करें। अगर बीच में कोई काम निकलता है तो उस काम को किसी दूसरे समय पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें, कभी दिमाग में ये ना सोचें कि चलो कोई दिक्कत नहीं 2-3 दिन दुकान बंद रहेगी, हम अब काम पहले देखेंगे, है ना। और जब आपका समय बन जाता है तो एक समय पर विश्वास होता है। जैसे मैं एक कॉमन सी बात बताता हूँ, आप अपने कहीं रोड पर जाते हो और रोड पर जाने के बाद कोई ऐसा आदमी है जो पानी पूरी का ठेला लगाता है, अगर आप रोज़ निकलते हो तो आप यहाँ से निकलते ही आप पहले ही सोच लेते हो कि भैया काम करो, वहाँ बीच में चलेंगे तो उसके यहाँ पानी पूरी खाएंगे। क्यों पानी पूरी खाएंगे? क्योंकि आपको विश्वास है कि वहाँ बीच में लगाता है वो भैया, वहाँ पर लगाते हैं तो वहाँ पर खाएंगे, बहुत अच्छी है। लेकिन वो 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खाने का मन होगा तो तब बोलेंगे यहीं खा लो यार, वहाँ पता चला लगाए या ना लगाए, घर भी पहुँच जाएंगे, वो आज भी बेकार है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा विश्वास उठ जाता है। तो कस्टमर का हमारे प्रति तभी विश्वास बनता है कि जब हमको रोज दिखता है। कहते नहीं कि आदमी को ये बात 100% उम्मीद होती है कि यार सुबह तभी होगी जब सूर्य उगेगा, और सूर्य भी ऐसा है कि रोज उगता है, चाहे आदमी आए या जाए उसको कोई बात फर्क नहीं है। तो उसी तरीके से क्या होता है, अगर आपको सूर्य उगने का मतलब होता है एक समय, अगर आप अपना समय नियम संयम सब चीज़ों को सही रखते हैं तो गारंटी के साथ में कहते हैं आप भी सफल होंगे, आपसे जितने सारे लोग हैं वो भी सफल होंगे और कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकते। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी विशेष है, आप अच्छी तरीके से काम करें,
सफलतापूर्वक काम करें, और मेरे से या ईटेक इंस्टीट्यूट से जो भी आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपको पूरा तहे दिल से सपोर्ट मिलेगा। और कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप आ सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग मिलकर के आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।